तो कैसे हो दोस्तों? दोस्तों मैं आज आपको इस एल शेप वार्डरोब के बारे में बता देता हूँ, जिसमें हमने आगे लेफ्ट साइड में हमने चार डिज़ाइन पैटर्न बनाया हुआ है, वॉल सेल्फ टाइप बनाई हुई है, देख सकते हैं जैसे आप। इसके बाद मैं आपको इसके डायमेंशन बता देता हूँ। तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड वाली है, ये हमारी 6 फीट है और सामने जो है 7 फीट है, जिसमें ड्रेसिंग वाले से 3 फीट का है। इसमें हमने इसकी हाइट टोटल 7 फीट रखी है। इसमें हमने ये 4 ड्रॉर रखे हैं, ऊपर वाला पल्ला 12 इंच, ऊपर हमने लॉफ्ट दिया। तो मैं आपको इसके सामने का, इसके अंदर का दिखा देता हूँ। इसमें हमने 2 कलर की ये लेमिनेट यूज करी है, बीच में 12-12 इंच के हाईलाइटर लेमिनेट डाली है और ऊपर नीचे सेम लेमिनेट डाली हुई है। तो ये जो हमने ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग की जो डेप्थ है वो 12 इंच है। ये ड्रॉर दिखा देता हूँ मैं। तो ड्रॉर में हमारे 10 इंच के हाइड्रोलिक चैनल लगे हुए हैं। तो हमारे 4 ड्रॉर हो गए। ऊपर ये 3.5 फीट का पल्ला, जिसमें हमने 4 इक्वल सेल्फ डिवाइड करके डाले हुए हैं। इसमें आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसके अलावा जो ये वाला पल्ला, जिस पर हमारा ये मिरर पेस्ट होना था, इसमें भी हमने सेम वैसे ही पार्टीशन डाले हुए हैं और स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पर हम अपनी बैंगल रॉड लगा देंगे, जिससे बैंगल हैंग हो सकती है। इसके बाद मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। इसमें अपने हैंड बैग वगैरह रख सकते हैं। इसमें अभी एक वो सोकर लगना बाकी है, हाइड्रोलिक सोकर। और उसके अलावा ये लाइट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमने एक ड्रेसिंग के ऊपर सरफेस लाइट लगाई हुई है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि हमने इसके अंदर भी लाइट लगाई हुई है, वार्डरोब के अंदर। तो अभी दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले आप देख सकते हैं जो हमने निशेस बनाई है, निशेस में हमने लाइटें लगाई हुई हैं, ये स्पॉट लाइट लगी है, जो आप कुछ भी प्रोडक्ट रखेंगे उसके ऊपर गिरेगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं आपको इसके अंदर अब दिखाई देता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें 2 ड्रॉर, नीचे 2 सेल्फ, 2 ड्रॉर हो गई, सेल्फ हो गई। ऊपर यहाँ भी हमारी एक रॉड लगी हुई, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो जो इसके साइड वाला है, वो हमारा एल शेप कॉर्नर बना है। तो एल शेप कॉर्नर में आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नीचे इक्वल पार्टीशन डाला हुआ है और ऊपर में अभी हम इसमें रॉड लगनी बाकी है। एल शेप में रॉड लगेगी, ये रॉड लगेगी एल शेप में, और इस पर आप हैंगिंग हो जाएगी। ऊपर और नीचे, नीचे भी एक रॉड लगेगी, तो इसमें लॉन्ग हैंगिंग और इधर इधर शॉर्ट हैंगिंग हो जाएगी, इसमें भी और नीचे भी। उसके बाद नीचे हमने ओपन पार्टीशन डाले हुए हैं। उसके बाद मैं आपको लॉफ्ट दिखा देता हूँ। जो लॉफ्ट है हमारी, सारी सेम है इसके जैसी, देख सकते हैं लॉफ्ट। इसमें सारा हमारा हाइड्रोलिक कब्जे वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और बताना है अगली वीडियो किस चीज के ऊपर बनाई जाए। बाय।